अगर समाज को, अगर आज को संभालना चाहते हो तो युवाओं को और बुजुर्गों को एक साथ बैठना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो विचार ही नहीं मिलते। युवा बुजुर्गों के पास बैठना ही नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि जब भी बैठते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी पुरानी बातें निकाल के शुरू कर देते। अरे तुम मोटरसाइकिल पे घूमते हो, हम साइकिल पे चला करते थे, हम तो पैदल चला करते थे, तुम बड़े राजकुमार बने फिरते हो, गाड़ी के बिना बिल्कुल नहीं चलते। अब यही ताने मार मार के फिर बालक सोचते क्या करें अब। अरे भाई तुम्हारे समय में साइकिल थी तो साइकिल पे घूमते थे, इनके समय में अब कार है तो कार में घूमते। बात कोई ऐसी बड़ी नहीं। आज का युवा अधिक पढ़ा लिखा है, वो बड़ों को बुजुर्गों को कम या ना समझ समझता है। उसके पास बड़ी डिग्रियां हैं, वो सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, बड़े कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, ऐसी ऐसी मेरे पास डिग्रियां हैं। ये क्या गांव में रहे, खेत देखे हैं और कुछ किया नहीं इन्होंने जीवन में, ये क्या जानते हैं? पर आपको पता नहीं है। युवाओं को मैं ये बता दूं कि जो किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाया जा सकता वो अनुभव रूपी ज्ञान इन बुजुर्गों के पास ही मिलता है, इन बड़ों के पास ही मिलता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। समाज को व्यवस्थित रखना है, सनातन धर्म को व्यवस्थित रखना है तो संतुलन बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ों को अपनी अकड़ छोड़नी पड़ेगी और युवाओं को भी अपना अभिमान छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा बराबर संतुलन बनाना पड़ेगा, और फिर ये समाज का, राष्ट्र का, धर्म का कार्य आनंद से आगे बढ़ेगा, प्रेम से आगे बढ़ेगा।